डांडी प्रखंड के डांडी में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड राज्य भवन निर्माण विभाग द्वारा नव निर्मित भवन का विधिवत उद्घाटन मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने नारियल फोड़ व शिलापट्ट अनावरण एवं फीता काट कर किया। इस दौरान विधायक जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि डांडी प्रखंड वासियों के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि यह झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय में डांडी प्रखंड की सभी 14 पंचायतों के गरीब परिवार की बच्चियों को पढ़ाई के साथ साथ ठहरने के लिए हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मैं अपने स्तर पर डांडी प्रखंड में सभी तरह के कार्यों को अच्छे से करने में अपना योगदान दे रहा हूँ। आपके सामने साक्षात आप देख रहे हैं कि हमारा जो डांडी प्रखंड जो 2006-07 में तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिबू सोरेन जी और गिरिडीह के लोकप्रिय सांसद तेकलाल बाबू के नेतृत्व में हजारीबाग जिला में दो प्रखंड, हजारीबाग के मांडू विधानसभा अंतर्गत जो प्रखंड हमारा बना था, नया प्रखंड, एक टाटी झरिया और दूसरा डांडी, तो पहले यहाँ पर झारखंड आवासीय विद्यालय बालिका विद्यालय चलाया जा रहा था। चूँकि नए प्रखंड सृजन होने के उपरांत यहाँ पर हर एक प्रखंड में जो कस्तूरबा विद्यालय हुआ करता था वो यहाँ पर नहीं था। आज हम सबों को आज बड़ा खुशी हो रहा है कि हम सबके सामने कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय जो है नवनिर्मित जो हो चुका है, जिसका विधिवत रूप से आज हम लोग भवन का उद्घाटन करेंगे। साथ ही नई जो शिक्षा व्यवस्था है, जो यहाँ पर छात्र छात्राएं अपने नए भवन में अध्ययन करेंगे, रह सकेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डांडी प्रमुख दीपा देवी, जीप सदस्य पिंकू देवी, 20 सूत्री अध्यक्ष सह डांडी मुखिया लखनलाल महतो सहित कई मौजूद थे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए रामगढ़ झारखंड से शिव शंकर तिवारी की रिपोर्ट।